इंडियन स्पोर्ट्स के डिजिटल पैक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव, मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट प्रेमी वाले मेरे दोस्त। चलिए, आईपीएल सीजन 13 की शुरुआत हो गई है। यूएई में सभी मैचेस खेले जा रहे हैं। किसी टीम को जीत तो किसी टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएल सीजन 13 के कुछ 10 दमदार फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस बार के सीजन आईपीएल 13 में ऐसा पहली बार हुआ है जब आईपीएल के पहले 10 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों का नतीजा सुपर ओवर के जरिए रहा, जिसमें से पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच रहा और दूसरा मुकाबला वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है जब सीजन 13 में राजस्थान रॉयल ने 224 रन बनाकर सभी टीमों को चौंका दिया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जैसे कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ऐसे में उनके जो उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ऋषभ पंत, राहुल केर और ईशान किशन के साथ, मतलब जितना भी उन्होंने आईपीएल में मैच खेलने का मतलब उन्हें मौका मिला है और बैटिंग करने का मौका मिला है, उन्होंने मैच को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब नजरिए पे लाके खड़ा कर दिया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिले, तो जहाँ तक हमें लगता है कि आईपीएल मैच की जो मतलब रोमांच होगा वह देखने लायक होगा और मेरे हिसाब से कि उनको आगे ही मौका मिलना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत बड़े ही धमाकेदार अंदाज में हुई। आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अभी तक 2 भारतीय खिलाड़ियों ने शतक जड़ा है, जिनमें से एक केएल राहुल और जबकि दूसरे मयंक अग्रवाल हैं। दोनों ही खिलाड़ी किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल 2020 के क्वालिफायर मैच में अभी एक महीने से ज्यादा का समय रह गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी टीमें अभी प्रदर्शन कर रही हैं उनका वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना हमने पहले सोचा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे जाके टॉप 4 में जगह नहीं बना सकती, लेकिन उसमें वो क्षमता है कि वो अपने आप को टॉप 4 में ला सकती है। इस साल के आईपीएल के स्लॉग ओवर्स में काफी छक्के और चौके देखने को मिले हैं। इस साल के स्लॉग ओवर्स में एक एक ओवर में 30 रन भी बनते हुए दिखे हैं, तो आने वाले मैचेस में भी स्लॉग ओवर्स में टीम क्या रणनीति अपनाती है और किस रन रेट से अपना प्रोजेक्टेड स्कोर हासिल करती है वो देखने वाली बात है। एक टीम नहीं लग रही है ताकतवर। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है जब 10 मुकाबले खेले जाने के बाद भी कोई एक टीम एक दूसरे को डोमिनेट कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने जरूर अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। आईपीएल 2020 के अब तक के मुकाबलों में हमने 2 सेंचुरी तो देखी है, साथ ही साथ एक खिलाड़ी ही ईशान किशन ने 99 रन का निजी स्कोर भी बनाया। ईशान किशन ने 99 रन का निजी स्कोर बेंगलुरु के खिलाफ बनाया। तो चलिए, हमने 10 दमदार फैक्ट्स आईपीएल सीजन 13 के बारे में डिस्कस कर ली हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये 10 दमदार फैक्ट्स कैसे लगे और आप भी अपने कुछ फैक्ट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।